Hello friends, welcome back to Toddlers at Work today and wish you all a very very happy World Storytelling Day. Yes, you heard it right. Today is World Storytelling Day and we are celebrating the Storytelling Day with this story, Bhalu Ki Taxi by ANA Books. Come, let's listen to the story. एक दिन जब भालू रास्ते से जा रहा था उसे कुछ मिला। उस चीज के थे दो डंडे, एक पहिया और नीले रंग का कुछ नीचे। पहले तो उसे पता ही नहीं चला कि वह क्या है, पर वह जानता था कि सड़क पर कई बार चीजें उल्टा कर रखी होती हैं, इसलिए उसने उसे पलटा। जब उसने वह डंडे पकड़े तो समझ गया कि यह कोई दौड़ने वाली चीज है, बड़ी तेज दौड़ रही है, मैं इसे संभाल नहीं सकता। खरगोश आए दौड़े दौड़े। हाय भालू, क्या यह तुम्हारा ठेला है? हाँ, लगता तो ऐसे ही है, मुझे यह सड़क पर मिला, भालू ने बताया। देखो ना कितना तेज दौड़ता है, ठेला बिजली की तरह दौड़ने वाला, एक ही पहिया है तब भी। इतना तेज तो नहीं, देखो ना हमने आपको पकड़ ही लिया, खरगोश बोले। हाँ पर तुम दो हो ना, इसलिए हमें घुमाओगे? हाँ हाँ, इसे टैक्सी बना देते हैं, खरगोश बोले। टैक्सी? भालू ने पूछा, टैक्सी क्या होती है? टैक्सी का मतलब है गाड़ी, उसे जहाँ कहो ले जाती है। खरगोश कूदकर ठेले पर जा बैठे। चलो हरे भरे खेत में, जल्दी से जल्दी। भालू घूमा और उल्टी दिशा में भागने लगा। अब चढ़ाई शुरू हुई थी, ठेले को धकेलना मुश्किल हो रहा था। तेज तेज और तेज, खरगोश लोटपोट हो रहे थे। अब ठीक से बैठोगे वरना गाड़ी पलट जाएगी, भालू चिल्लाया। नहीं और झुलाओ, खरगोश चिल्लाए। दौड़ाओ घुमा फिरा कर। कितना? भालू ने पूछा। टेढ़ा मेढ़ा पानी के गड्ढों के ऊपर से, खरगोश चीखे। भालू ठेला दौड़ाता रहा, खरगोश गाड़ी में उठते गिरते फिसलते हंस हंस कर बेहाल थे। तुम बहुत भारी हो, भालू ने कहा। क्या सब ऐसे ही होते हैं? मैं और नहीं चल सकता। कैसा कमजोर भालू है जो खरगोशों को नहीं ठेल सकता, खरगोश ठेले से उतर गए। मैं कमजोर थोड़े हूँ, भालू ने सोचा। भालू की ताकत है मुझ में, क्योंकि मैं हूँ ही भालू। दिखा दूंगा इन्हें भी। फिर आए मास्टर जी एक सूटकेस लेकर लंबे डग भरते हुए। टैक्सी, भालू चिल्लाया। मास्टर जी स्टेशन जा रहे हैं, वह भालू की टैक्सी में जाएंगे। स्टेशन उल्टी दिशा में है, जरा नीचे जाने पर वह नजर नहीं आता पर उसका पता चल जाता है। मास्टर जी को ठेलना आसान है, उनके इतने बड़े होने के बावजूद। कितनी तेज जा रहे हैं हम, मास्टर जी खुशी से बोले। भालू जी जरा टेढ़े मेढ़े जाएं, झूलते फिसलते। भालू तेज दौड़ने लगा, टेढ़ा मेढ़ा पानी के गड्ढों के बीच से। मास्टर जी गाड़ी में बैठे उछलते फुदकते हंसते जा रहे थे। स्टेशन पर भालू ने गाड़ी तिरछी कर दी तो मास्टर जी गिर ही पड़े। बड़ा मजा आया, मास्टर जी हंसते हुए बोले। जेब से एक सिक्का निकालकर उन्होंने भालू को पकड़ाया और ट्रेन के लिए दौड़ पड़े। स्टेशन पर एक औरत थी जो टैक्सी से जाना चाहती थी। उसने सफेद फर वाला गरम कोट पहना था। तुम कहीं खरगोश तो नहीं हो, भालू ने पूछा। कतई नहीं, मैं एक औरत हूँ अच्छी कासी, वह बोली। तब ठीक है क्योंकि खरगोशों को ठेलना मुश्किल हो जाता है, भालू ने कहा। उस औरत को हरे खेत से थोड़ा आगे जाना था, मतलब फिर ऊपर की तरफ। भालू के लिए फिर से मामला भारी हो गया, पहले ही घुमाव पर ठेला पलट गया। वह औरत ठेले से गिर गई और बहुत गुस्सा हुई, उसका कोट खराब हो गया। उफ़,
क्या बेकार सी गाड़ी है, वे चिल्लाई। मैं कल ही तुम्हारी शिकायत पुलिस को लिख दूंगी। भालू पर कोई असर नहीं हुआ। उसे क्या मालूम पुलिस क्या होती है, पर उसे बुरा लगा कि वह औरत नाराज हो गई। भालू सोच रहा था, मतलब यह हुआ कि यह औरत और वे खरगोश भारी थे, पर मास्टर जी हल्के क्यों थे? वे तो काफी बड़े हैं, क्या वजह होगी? अजीब सी बात थी, जो दिखता है सो सही नहीं होता। फिर एक आदमी सेब की पेटी लेकर आया, उसे वे दुकान पहुंचाने थे। उसने भालू से कहा, अपनी टैक्सी से ले चलें, पेटी बड़ी और भारी है, शायद भालू ले ना जा पाए। पर सेबों की पेटी ठेलना आसान था। भालू उसे दुकान तक लाया और ज्यादातर सेब अभी भी पेटी में ही थे, जो बाहर गिरे वह उन्हें अपने लिए ले सकता था। भालू फिर सोच रहा है, सेब और मास्टर जी को ठेलना आसान था, पर खरगोश और वह औरत भारी थे। यह चीजें दिमाग में रखकर सोचना मुश्किल था, इसलिए भालू ने कागज पर लिखा, टैक्सी, मैं खरगोश को नहीं चलाता और औरतों को भी, मुझे पसंद है मास्टर जी और सेब। यह सूचना उसने ठेले पर चिपका दी। एक छोटी सी औरत बहुत बड़ा ठेला लिए दुकान से निकली। वह भालू की टैक्सी से घर जाना चाहती थी। भालू ने उसे गौर से देखा, टोपी पर फर लगा हुआ था, जो सही नहीं था, पर उसके थैले में सेब थे, जो ठेलना आसान था। ठीक है, भालू ने कहा, लेकिन बहुत भारी हुआ तो अपनी यह फर वाली टोपी उतार देना। औरत गाड़ी में बैठ गई और भालू ने ठेलना शुरू किया। फिर से ऊपर को जाना था, इससे ठेलना मुश्किल होता जा रहा था। भालू ने औरत की टोपी उतार कर अपने सिर पर रख ली, पर उससे कुछ नहीं हुआ। जल्दी चलो, औरत ने कहा, मुझे इन सेबों का रस निकालना है, मेरी टोपी तो लौटाओ। कितनी भारी है, भालू हांफता रहा, सेब वैसे इतने भारी नहीं होते। आखिर वे पहुंच गए, भालू तक गया था। उसे तो पैसे भी नहीं मिले, क्योंकि उस औरत को पहुंचने में उसने देर कर दी थी। भालू ठेले पर लगी सूचना देखते हुए सोचता रहा, बड़े मास्टर जी हल्के थे, छोटी औरत भारी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या मतलब है इन सब चीजों का। खरगोश फिर से आए, उन्होंने एक और बार टैक्सी की सवारी करनी है। मैं खरगोशों को नहीं ले जाता, भालू ने कहा, बड़े भारी होते हैं। हम कहाँ भारी हैं, हम तो हल्के हैं, आप बहुत भारी निकले थे मास्टर जी से भी, खरगोश सोचने लगे और फिर हंसने लगे। तुम बहुत बुद्धू हो भालू, चीज भारी लगती है ऊपर चढ़ते वक्त, मास्टर जी नीचे को गए थे। नीचे ऊपर से क्या होता है, वही तो पहाड़ है। पर भालू खरगोश ठेले में जा बैठे, चलो नीचे दुकान तक ले चलो, पता चल जाएगा। भालू हिचकिचाया, वह उन्हें बिठाकर ठेलने लगा। कितना आसान है, गाड़ी जैसे अपने आप चल रही है। भालू पीछे दौड़ता जा रहा है, जैसे पहले कभी नहीं हुआ। अब वह समझ गया। देखते ही देखते वे दुकान पहुंच गए। कमाल हो गया, दोष आपका नहीं था, भालू ने माना, बात पहाड़ से नीचे जाने की थी। मैं अब अपनी सूचना बदल देता हूँ, उसने लिखा, टैक्सी सिर्फ नीचे जाने के लिए। अब सवारियां आधी रह गई हैं, कोई बात नहीं, पर दौड़ धूप तो नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं गाड़ी में बैठूंगा और आप दोनों चलाएंगे। भालू अपनी गाड़ी में बैठ गया और खरगोश चलाते गए। रस भरी के खेत चलो, जल्दी जल्दी टेढ़े मेढ़े। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है, प्लीज सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।